राम राम जी सारे ने, और सारे ठीक हो? तो अब से कर रही हूँ मैं एक नए ब्लॉग की शुरुआत, और अभी टाइम हो रखा है 7 का, और मौसम देखो कितना अच्छा है, क्योंकि 2 दिन हो गए बारिश होते हुए, और मौसम है ना बहुत ही अच्छा है। अब तो है ना, मतलब कि शाम को कूलर चलाते हैं, एक ही बार चलाते हैं, रात को तो ठंडी लगने लग जाती है। और वो सोनल पता है क्या कर रही है उसके साथ, है ना, जो मकोड़े मकोड़े होते हैं ना, मोटे वाले मकोड़े, उनका युद्ध हो रखा है। पता नहीं वो ठंड के मारे आ गए ठंड से, क्योंकि देखो अभी है ना आंगन गिल्ला ही है, बारिश से सूखा नहीं है, क्योंकि डेली बारिश आ रही है ना, तो शायद ठंड के उससे वो निकल आए हैं। और सोनल जितना भी उनको है ना कॉर्नर में ले जाती है उठाने के लिए, कोई उधर भाग जाता है, कोई उधर भाग जाता है, तब से लगी हुई है वो, सिर्फ बरामदे बरामदे में लगा रही है। और बरामदे में ना बहुत ज्यादा टाइम हो गया उसको लगाते हुए, वहां तक लेके जाती है और वो फिर वापस भाग जाते हैं, वहां तक लेके जाती है और फिर वापस भाग जाते हैं। अब है ना मोर बोलने लग गए हैं, शायद आपको आवाज आ रही हो मेरे फोन में, तो है ना अभी मोर बोल रहे हैं, और इतने प्यारे लग रहे हैं, इतने अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही ज्यादा, मतलब कि उनका देखो हम सुबह उठते हैं ना, एक तो तब बोलते हुए मिलते हैं, पता है काफी टाइम तो क्या होता है, हम जब बात करते हैं ना फोन पे, मम्मी का आया हुआ हो या भाई किसी सिस्टर का आया हुआ हो, ठीक है, जो ताऊ जी की और मौसी जी की लड़कियां हैं, तो वो क्या बोलेंगे, बोलेंगे देख तुम्हारे पास कितनी अच्छी आवाज आ रही है, कभी कोयल की कभी मोर की। मैं कह हमने ऐसे ही है, हमारा घर है ही ऐसी जगह पे। और पता है अभी मेरे सामने है ना कितनी सब्जियां रखी हैं, देखो मैं करने क्या जा रही थी, बस मैं मौसम को देख के और मौसम के बारे में सोचने लग गई थी। देखो मेरे पास है ना एक तो पनीर रखा है, घर का बनाया हुआ पनीर है, मजबूरी का पनीर है जी। वो पूछोगे क्यों, पता नहीं 2 दिन से है ना लाइट नहीं आई थी, और फ्रिज आई थिंक ठीक से चला नहीं, क्योंकि धूप भी तो नहीं थी ना, सोलर भी तो काम तभी करेगा ना जब धूप होगी, धूप नहीं थी, और वो दूध खराब हो गया थे सारा, शायद 4 साढ़े 4 किलो दूध था वो खराब हो गया, और उसका ये पनीर निकला है जी। वैसे आपको कम दिखाई दे रहा होगा, ये निकला है उसका पनीर, मैं कि छोड़ेंगे हम भी नहीं जी, दूध खराब हो गया तो कोई बात नहीं, खा के रहेंगे इसको, ठीक है, तो इसलिए ये मजबूरी का पनीर है। तो आज मेरे पास सब्जियां कितनी हैं देखो, भिंडी रखी है, ठीक है, पनीर है, शिमला मिर्च है, और आलू है। तो मैं सोच रही हूँ बनाऊं क्या, अब मैं वो सब्जी सोच रही हूँ जो जल्दी खराब होने वाली हो उसको मैं आज बना देती हूँ, जो फिर सेकंड टाइम पे खराब होने वाली हो उसको मैं कल बना दूंगी, सुबह बना लूंगी, और फिर जो थोड़ी सी और ज्यादा खराब होने वाली हो उसको फिर, मतलब जो लेट खराब हुई उसको फिर कल शाम को बना दूंगी। 3 टाइम है मेरे पास और 3 तरह की सब्जियां हैं, लेकिन आप लोग कमेंट करोगे ना तब तक तो मेरी सब्जी बन जाएगी, मैं तो अभी सब्जी बनाऊंगी इनमें से एक। तो मैं सोच रही हूँ ये पनीर तो आज ही बनाया है, दोपहर में बनाया ही मैंने स्कूल से आने के बाद, और भिंडी भी आज आई है, नहीं भिंडी और शिमला मिर्च ये आई थिंक सुबह आई थी, सुबह या कल शाम को मेरे को तो पता भी नहीं, ठीक है, तो ये तब आई थी, तो अब इनमें से सोच रही हूँ, पनीर की तो कैंसिल है, ये नहीं बनाऊंगी मैं, ठीक है, या तो भिंडी बनाऊं या शिमला मिर्च बनाऊं। और सोनल पता है पीछे से क्या कह रही है, ये कह रही है कि क्या बनाऊं क्या बनाऊं, करती रहे अपने आप ही बन जाएगी। तो अब मैंने पता है क्या सोची मैंने, मैंने ये जो आलू है ना ये उबलने रख दिए, रख दूंगी, रखे नहीं है, पानी में रख दिए मैंने, कि भाई रेडी कर दिए मैंने, कि भाई अब मैं इनको गैस पे रख दूंगी, और मैं बनाऊं भरमा भरमा शिमला मिर्च, क्योंकि अगर मैं आलू और शिमला मिर्च को कट करके बना दूंगी ना तो बच्चे खाएंगे नहीं, बड़े बस क्या बताऊं साइड में निकाल देंगे, आलू खा लेंगे और उनकी प्लेट में ना शिमला मिर्च के ही पीस मिलेंगे सिर्फ, और अगर भरमा बना दूंगी ना तो कंप्लीट खा जाएंगे।
के थी सफाई तारे थी न्यू करूं देखी भी ये भिंडी धो का मन्ना कर दी है शिमला मिर्च धो का मन्ना कर दी है हैं और आप क्रेडिट ले ले है मेरी बेटी सब क्या है का न्यू बना यो सारा काम कर का मंडा देना पड़ा है इस ती जब जाके आप बनावेगी और तुम के बना रहे हो आज तुम भी बता दियो बे आपस में बातचीत मारी तो न्यू हो सका है हम वीडियो बना दिया और बे तुम कमेंट कर दो उससे तो जान फट गया और बे आवाज और पता है जी आज है ना इसकी बात अधूरी रहेगी जी अरे बाद में बताई मेरे को याद आ गई आज है ना हमारे घर में छोटा सा नुकसान हो रखा है हमारे जो फ्रिज का शीशा था ना टूट गया और अब है ना पता है जब वो शीशा होता है उसके ऊपर भी एक दो बर्तन रखा जाता है छोटे वाला लेकिन अब वो नहीं है ना तो जो डलिया है टोकरी है सब्जी वाली अब वो ऊपर से ओपन हो गई तो कुछ नहीं मतलब सब कुछ अस्त व्यस्त हो रखा है तो वो देखो अभी कभी आएगा वैसे है ना मेरे को मतलब डाउट है मेरे को सुनने में आया है कि कांच का टूटना शुभ भी माना जाता है सुना है मैंने हो सकता है मैंने गलत सुन लिया हो भाई ठीक है तो आप बताना कि घर में कांच का टूटना शुभ होता है या नहीं होता है ठीक है पता है तेरे को शुभ होता है या नहीं मैंने तो इतना ज्ञान को नहीं नहीं है पता नहीं मेरे को मतलब सुना है हो सकता भाई मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग हो ठीक है तो बताना कि हाँ भाई होता है या नहीं ठीक है कमेंट करके जरूर बताना भाई नहीं तो मैं तब तक यूं डरी रहूंगी कहीं अशुभ तो नहीं होता है कांच का टूटना ठीक है और जी ये वाली क्लिप है अगले दिन की उस शाम की खाना बनाते हुए टाइम की हाँ जी क्या करूँ मैं ना आपको सब्जी की रेसिपी दिखाना चाह रही थी लेकिन वही बात है किसी पेरेंट्स का फ़ोन आ गया उनके साथ है ना काफ़ी टाइम लग गया मेरा इसलिए उसकी नहीं बना पाई फिर अगले दिन वाली जो क्लिप थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी है और अब मैं डालने लग रही हूँ अचार ये वो होटल में से सब्जी नहीं लेके आया करें उनके डिब्बे हैं हम जी नरी यूज कर लिया करें धो के साफ हो जाते हैं ये बिल्कुल देखो अचार है ना मतलब अलग अलग तरह के लिए जाते हैं सारे फिर अगर सबने मिक्स कर देते हैं तो उनका टेस्ट अलग हो जाता है कहीं मीठा नींबू है कहीं ये नमकीन वाला नींबू है कहीं मिर्च हैं कहीं कैसा ही है तो फिर है ना ये ठीक काम आ जाते हैं बिल्कुल सब में अलग अलग डाल देती हूँ लेकिन पता क्या हुआ अचार वैसे हम कम खाने देते हैं बच्चों को तो ये लिए थे पता नहीं पाया पाया लिया थे या आधा किलो लिया था लेकिन मैंने सोचा था कि है ना दो तीन तरह के थे कि इनको कल डिब्बे में डालूंगी पहले दिन लिया था और आज अगर मैं डिब्बे में डालने लगी ना तब मेरे को ये आधे भी नहीं मिले क्यों बच्चों को पता है कि जब घर का अचार बना हुआ होता है ना वो तो हम इतना मना नहीं करते लेकिन बाहर का अचार ज़्यादा खाने नहीं देते तो उनको तो ये हो गया हाँ बस अभी लिया हुआ है सुबह भी शाम भी जब सब्जी होती है तब भी रायता होता है तब भी अचार चाहिए उनको साथ तो अब मैं डालने लगी ना बिल्कुल थोड़ा थोड़ा रहता है लेकिन फिर भी मैंने डाल दिया अगर एक दिन और वेट करती ना कि भाई कल डाल दूंगी तो शायद मेरे को ये मिलता ही नहीं तो अभी मैं करने लग रही हूँ ये गैस पर रखी हुई है मैंने साइड में सब्जी सूखी सब्जी बना रही हूँ मैं आलू की और वो फली होती है ना गवार की उसकी और सोनली यहाँ बर्तन बर्तन रहते थे शायद उसके थोड़े से वो कर दिए हैं लेकिन वो सारे बर्तन है ना बाहर उठा के ले गई पता नहीं बाहर कर रही है या कहाँ कर रही है क्योंकि गर्मी इतनी है जी कि किचन में तो है ना बस रुका ही नहीं जा रहा है राम राम जी सारे ने और ठीक ठाक हो तो बे आज मिलन पाई हूँ ईब शाम ने के रात ने नू मान लू इब टेम होगा आठ उठ के लगभग जा रहा होगा टेम पक्का है और गर्मी इतनी हो रही है बहुत गणी और इब मैंने करे हैं बर्तन दूध दाद का कराया है दूध के बर्तन करे हैं और जो बर्तन थे वे सारे करे हैं तो वे आज रसोई में नहीं करे सिंक में नहीं करे आज बाहर मोरी पर बैठ कर बगड़ मापने में ये देखो ये दिखते भी होंगे कुछ कुछ थोड़े थोड़े वैसे तो अंधेरा है लेकिन थोड़े थोड़े दिखते हैं तो टोकरा दे रहा आड़ा मांझे हाँ आज मैंने अपने क्यों गर्मी इतनी कर दी थी कि भीतर रसोई में नहीं रह गया मेरे बस की बात तो थी ये कोने इतनी ज्यादा गर्मी थी आद कर रखिए राम जी नू भी नहीं अक टूट कपड़ जा रात ने भी इतनी ये गर्मी हुआ है चाहे कूलर चला लो पंखे चला लो कुछ चला लो कत्ती कोई आराम नहीं सब क्या फैल कर रखा भगवान ने आप कभी इतनी होगी बता दियो कौन कौन कित कित से गर्मी कितनी से जरूर बताइयो कमेंट करके देखो पसीने में के हाल हो रहा है कती सारे कपड़े का इबा मैं ये न्यू चेंज ना करती मका
बाहर का काम भी रह रहा है, एक पानी लेने जाना है वो निमटा निमटू का, और फिर पाछा चेंज करूंगी नहा धोकर और फिर अपने सोने वाले पहन लूंगी। तो आज बहन की कुछ स्कूल की यूनिफॉर्म की जो ये शर्ट है ना, इसमें दिक्कत से इनका टाके लगाऊंगी। और ऊ है ना, चाहे कितने दिन हो रहे हो बतावे कौन है, लेकिन एक जना दे देगा ना तो फिर सारे बता देंगे मेरी इस चीज में नहीं हो रहा है, मेरी इस चीज में नहीं हो रहा है। तो आज दो आई है मेरे आगे, एक तो समर की है जो उसका बटन टूट रहा है, और वंशिका की अर्की सी आलेत है उधर रही है बाजू। तो इनका मैं लगा दू टक्का और उसका मैं बटन लगा दू हूँ। क्या कर रहे दिन में तो टाइम लागता पुनः, कुछ तो बच्चे लेट आवे, कुछ फिर मैं लेट आऊ, घनी लेट हो जाऊ, तो फिर आने के बाद जब ये न्यू बतावे मम्मी यह चीज फट रही है, तो जब उसका टक्का टुक्का लगाऊ फिर न्यू अपने काम निमटाने पड़े है। दनाड़े जो बाण करना रहा है वे तो अपने दिन में निमटा ले है, कि माता ही तो दिन तो खाली सह को ना, तो रात के टेम माते टेम हमने सारे का माते ही अपना देना पड़े है। तो ला दू बे टक्का और बटन, फिर मिलूंगी थोड़ी देर में थारे तय, ठीक है भी। और बे देखो ये यो देखो फोन का जो डिब्बा आया करे, उस डिब्बे में सुई धागे कौन कौन रखा करे जरूर बताइयो। हम रखा करे भाई छोटा सा डिब्बा हुआ है, इसमें सुई धागे रख ले अपने गांव की जो औरतें हो है, गांव की के बे सहरा की भी औरतें जो हो ना वे बहुत ही बचत वाली हो है, तो वे यूं मान्या करे कि भाई घर न कोई सी चीज आ जाए डिब्बा वगैरह छोटा मोटा सुथरा लगन का, तो उसने वे वेस्ट ना जान दिया करे। और देखो कहीं ना कहीं उसने यूज कर ही ले हैं, है ना। इसी तरीके से जो ये जिस तरह बाहर तक कई बार सब्जी सुब्जी आया करे, जिस तरह बाहर तक बनी हुई सब्जी लिया हुआ होटल आटल में तय, तो वे प्लास्टिक के वह नहीं आया करे छोटे छोटे डिब्बे से, हम तो उनमें अचार डाल दिया करे अलग अलग डाल का, फिर ज्यादा अचार तो हम लिया नहीं करे एक बार में, थोड़ा थोड़ा लेवा सारी चीजा का उनमें डाल देवा थोड़ा थोड़ा, तो फिर नु है छोटा डिब्बा भी यूज हो जा, थोड़ी ही चीज पर बड़ा डिब्बा भी फूट कर ना दरिया जा, और वे बचत भी हो जाए, उसके लिए स्पेशल डब्बा लाने की भी जरूरत ना पड़े, है ना। तो वे इसलिए कहा जा है कि भारत की जो नारी हो है वह सच्चे में संस्कारवान हो है, कहीं तक भी कुछ भी बचत करनी हो उसने वह जरूर करेगी ढूंढ डाट कर, है ना। आधे मेरा मुंह चमका है पसीने में, हालांकि पंखे के नीचे बैठी हूँ कति फुल चल रहा है पंखा, तब आवाज भी आती होगी, लेकिन फिर भी पसीना इतना ही है बेबे बरकरार है रिकॉर्ड तोड़ गर्मी हो रही है कति। क्या गला पुता मुन्ना लाओ चश्मे, समर वाली बात से चश्मे लाया करे, समर बार बार लिया के देखना वो सही लिया के दे दर तई गल गया। इतना तो फर्क होए जा है, न्यू है बे सब दिन फोन हाथ में रह है, एडिटिंग करते टाइम या लैपटॉप पर करा चाहे फोन पर करा या शूट करते टाइम, तो व्याख्या में थोड़ा तो फर्क इतना होए जा है, ठीक है। और घर के हैं ये ताने मारने लग जा इन बातों पर देख लो, तो मैं करा हाँ वो इन तक करते हो आगे अक धरती में दाब दाब के मरांगे बता दो, अब भाई हम खुदान खोद खोद कौन में दाब के मरांगे धरती में तो कोई ना दाबिया करे, दाबिया करते पहला के राजा महाराजा दाबिया करते, वो राजा महाराजा होता हूँ हम किसी राजा महाराजा से कम है, के दिखाओ हो किस तक गांठ भी ना मारी जाती, मारी जा है मार लिए गेट निकल गए